तो दिल्ली के ठिकरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के बीच कुछ नौजवान युवकों द्वारा एक लाइब्रेरी की स्थापना की गई, जहां इस लाइब्रेरी का मुख्य उद्देश्य प्रदर्शन के बाद किसानों और युवाओं को साहित्य से जोड़ना है। दिल्ली के ठिकरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के बीच कुछ नौजवान युवकों ने एक लाइब्रेरी की स्थापना की है, जिसमें साहित्य और कई महत्वपूर्ण और महंगी पुस्तकों के कलेक्शन को रखा गया है। जहां ये लाइब्रेरी निशुल्क सेवा के रूप में मनाई गई है, वहीं किसान और नौजवान युवक और युवतियां यहां किताबें इशू कराकर पढ़ रहे हैं। पुस्तकों को पढ़ने के लिए रोड के बीच मेट्रो पिलर के डिवाइडर पर त्रिपाल और पिनिया लगाकर एक कमरा बना दिया गया है, जिसमें बकायदा बैठने की व्यवस्था है। यहां किताबें इशू कराने वाले लोग एकांत में पढ़ सकते हैं। इस लाइब्रेरी का मुख्य उद्देश्य प्रदर्शन के बाद किसानों और युवाओं को साहित्य से जोड़ना है, जिससे उनका समय भी ठीक से व्यतीत हो, साहित्य से जुड़े और इतिहास पढ़कर नीतियों को समझें। ये लाइब्रेरी पंजाब के कुछ नौजवानों ने खोली है, लेकिन इस लाइब्रेरी की लोकप्रियता देखते हुए इस लाइब्रेरी के साथ देश के कई राज्यों के लोग जुड़ रहे हैं। इस लाइब्रेरी को सपोर्ट करते हुए यहां पुस्तकों और जरूरत के सामान को भेजकर किसान आंदोलन को लोग अपना समर्थन दे रहे हैं। इसका एक ही उद्देश्य है कि हमारे पास यहां पे अब मोदी जी ने एक महीने से ऊपर बिठा दिया है, लगभग एक महीना हो गया है बैठे हुए, और स्टेज की कार्रवाई के बाद काफ़ी समय है, नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, सब एज ग्रुप के लोग हैं और काफ़ी समय है जो फ्री है। तो और साहित्य एक ऐसा तरीका है जो टाइम पास के लिए बहुत बेहतर है, और हर समय जब आप साहित्य के टच में आते हैं कोई ना कोई बात नहीं सीखते हैं। अपने इतिहास से प्रेरणा लीजिए, इन नीतियों को समझिए, अपने आप को अवेयर कीजिए और डट के इस संघर्ष में अपनी मनोबल को ऊपर रखते हुए मुकाबला कीजिए। तो इसी को सोचते हुए हमने किताबों का लंगर लगा दिया। ये लाइब्रेरी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। फिलहाल इस लाइब्रेरी में रोजाना सैकड़ों किसान और नौजवान युवक और युवतियां पहुंचकर किताबें पढ़ते हैं। युवकों को निःशुल्क किताबें इशू कराई जाती हैं। पढ़ने के बाद किताबों को वापस किया जाता है। अगर किसी को किताब पसंद आती है तो वह किताब अपने पास भी रख सकता है। दरअसल अब ये आंदोलन लोगों को चौंकाने का काम कर रहा है। हर दिन यहाँ कुछ न कुछ नया होता है, जिस पर कई लोग सवाल भी उठाते हैं, और कई मायने में ये आंदोलन एक अच्छी मिसाल भी पेश कर रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस आंदोलन में अब तक किसी भी तरह की कोई हिंसा नहीं हुई है। ओपी शुक्ला, टोटल न्यूज़, दिल्ली।